हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जो है, जब ये आप लोग भी वीडियो देखोगे, शायद मैं अपने घर पे या अपने ऑफिस में नहीं होऊंगा, उस टाइम शायद मैं ट्रेवल कर रहा होऊंगा। तो हो सकती है कि आपको कुछ वीडियो कुछ ऐसी मिल जाए जो आई थिंक आपको पसंद ना आए, तो उसके लिए यार माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए अभी आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। दोस्तों आज के शुरू में बात करने वाले ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 125 के बारे में, कि नेक्स्ट जनरेशन KTM ड्यूक 125 आपको कब तक देखने को मिल रही है, कंपनी इसमें क्या क्या कुछ नया लाने वाली है, क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर KTM ड्यूक 125 के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, सारी चीज़ें आपको पता चलेगी नेक्स्ट जनरेशन ड्यूक 125 के बारे में। तो चलिए फिर दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सकें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्यूक 125 में जो है KTM क्या क्या चेंजेस कर सकती है, क्या क्या चेंजेस की नीड है और क्या क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं। दोस्तों ड्यूक 125 में सबसे पहला आपको जो चेंज देखने को मिलने वाला है, वो मिलने वाला है दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर में, यानी कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। देखिए अभी आप लोगों को बाइक पर जो स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, वो आप लोगों को नॉर्मल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, जो कि फुली डिजिटल मीटर है, नो डाउट वो भी काफ़ी अच्छा है। बट ये है कि जो नया वाला LCD पैनल मीटर, आपको पता है नया वाला जो LCD पैनल मीटर है वो लोग यूज़ किए हैं किसमें, नई वाली KTM RC सीरीज़ में। तो जो स्पीडोमीटर LCD वाला आपको मिलता है, वही सेम स्पीडोमीटर अब आपको ड्यूक 125 में भी देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहला चेंज होने वाला है इस बाइक में। बात कर ले नेक्स्ट चेंज के बारे में दोस्तों, तो होने वाला है इस बाइक की लाइटिंग्स में। अब आपको बता दूं कि ड्यूक 125 में भी आपको LED लाइट देखने को मिलेगी, सेम वही लाइट जो कि इन्होंने KTM ड्यूक 200 में यूज़ की है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि यार नई वाली जो LED लाइट है वो भी आपको KTM ऑफर कर रही है अपनी नई वाली ड्यूक 125 में, जो कि आई थिंक इस बाइक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है और ये अपडेट करना भी ज़रूरी है ये लोगों को। तो ये भी एक नया अपडेट आपको बाइक में मिलेगा। नंबर 3 का जो अपडेट होने वाला है, वो होने वाला है दोस्तों इस बाइक के बताना चाहूँगा सस्पेंशन में। सस्पेंशन में क्या अपडेट होगा कि अभी आपको जो सस्पेंशन देखने को मिलते हैं उसमें दोस्तों आप लोगों को नॉर्मल WP के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, या WP के सस्पेंशन है बट नॉर्मल सस्पेंशन है। बट आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अब आपको KTM ड्यूक 125 में जो है WP के एपेक्स वाले सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, जो कि ज़्यादा बेटर सस्पेंशन है, ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर एक चेंज देखने को मिलेगा। नंबर 4 का अपडेट होने वाला है इस बाइक के ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन में। आपको बता दूं कि KTM ड्यूक 125 जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, जो नई बाइक आने वाली है, उसमें आपको नया ग्राफिक एंड जो नया कलर ऑप्शन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब वो आने के बाद पता चलेगा कि ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन कैसा होने वाला है, बट आई होप दोस्तों ग्राफिक एंड जो कलर ऑप्शन होंगे वो आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगे, क्योंकि KTM की बाइक है और KTM ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन अच्छे ना लाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बात कर ली दोस्तों बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो होने वाला है इस बाइक की ब्रेकिंग में। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कंपनी यहाँ पर ब्रेकिंग में भी काम करने वाली है, और दोस्तों ब्रेकिंग में हो सकता है अब आप लोगों को डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिले, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रखता है इस बाइक के लिए। तो ये भी एक जो नया अपडेट है दोस्तों आपको ड्यूक 125 में देखने को मिल सकता है। तो ये सारे अपडेट कंपनी इसमें करेगी। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा ड्यूक 125 की जो टेल लाइट है उसको भी लेकर आई थिंक कंपनी का चांसेस है कि उसमें थोड़ा सा ये लोग चेंज करते हैं, ऐसे मतलब चांसेस थोड़े से हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा कम चांसेस है बट अगर कर दिए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारे अपडेट आपको बाइक में मिलेंगे। लॉन्च डेट दोस्तों आप मान के चलिए इस साल के दिवाली मंथ तक आपको ये बाइक देखने को मिल सकती है, जिसके जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और अगर ऐसा होता है तो मज़ा आ जाएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि KTM इस चीज़ पे ध्यान देगा और प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा, 4-5 हज़ार रुपये के आसपास का प्राइस बढ़ सकता है शुरू में, बाकी बाद में थोड़ा और प्राइस कंपनी बढ़ाती ही है। बाकी कौन कौन इसका वेट कर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी हुई दोस्तों। वीडियो अच्छा लगी तो एक लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट। मैं लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।